अदरवाइज लोगों ने ये लकड़ियों का भी इंतजाम कर रखा होता है तो मेनली सर्दियों के लिए होता है। बाय बाय दोस्तों, सो दिस इज द कंजुमला, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं। तो जो रेस्ट हाउस था वहाँ पे तारा पूछ के आए, तो उन्होंने एक तारा होम से सजेस्ट किया है। सो आलू मटर की सब्जी है, दाल है, चावल है, दही है, प्याज है, मिर्च है और पानी है। थैंक यू। और एक अच्छे होस्ट हैं। सो हम तैयार हैं, रात अच्छी रही, ठंड थी काफ़ी यहाँ पे, थोड़े से हमने स्टार गेजिंग भी करी, कुछ फोटोग्राफ्स भी ली और फोटोग्राफ्स इंस्टाग्राम चैनल पे आप देख सकते हो, वॉचर्स ऑन व्हील्स इंस्टाग्राम पेज का नाम है। बस अब निकलेंगे मनाली की ओर चंद्रताल होते हुए, तो होपफुली वो भी अच्छा रहे, बढ़िया रहे, कोई तकलीफ ना आए हमको भी और गाड़ी को भी, सब ईजिली हो जाए तो बढ़िया रहेगा, बाकी भगवान के हाथ में। बस ऑल सेट है, निकलते हैं, नाश्ता कर लिया हमने। ये जो होम स्टे है, मैंने आपको कल शॉर्ट्स भी दिखाए थे, रूम के भी और बाहर से भी, 900 पर पर्सन है, उसमें डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। अच्छा था, होस्ट भी अच्छे हैं, खाना भी अच्छा था, बहुत अच्छा था खाना। जो दालें हम घर पे नहीं खाते वो हमने यहाँ पे खाई, लेकिन बहुत अच्छी लग रही थी चने की दाल, मैं घर पे खाता नहीं। एनीवेज तो अच्छा था, ओवरऑल बढ़िया एक्सपीरियंस था, प्योर होम स्टे वाला एक्सपीरियंस था। और मतलब प्योर वाला तो वहाँ पे था जहाँ पे हम किसी के घर के अंदर रुके थे, ये भी अच्छा था। ये तो विलेज भी बहुत अच्छा है, क्यूट सा विलेज है। बस ठीक है, निकलते फिर, चलो। ओके, सो गाड़ी में मैंने अपना सामान रख दिया, तरन का भी आ रहा है और गाड़ी कोल्ड स्टार्ट करते थे ताकि गाड़ी के ऊपर फालतू का लौटना पड़े, तो जगह तो है नहीं उधर से। सिलेंडर की गाड़ी आ गई है, वहाँ पे लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं जब तक आता है, अदरवाइज लोगों ने लकड़ियों का भी। बस कर कितना हॉर्न बजाएगा, अदरवाइज लोगों ने ये लकड़ियों का भी इंतजाम कर रखा होता है तो मेनली सर्दियों के लिए होता है, तो तब फिर इन्हीं से खाना वाना बनता है। सो गाड़ी अपनी चल गई है 47,005, एक बार दबाया दूसरी बार दबाया, अभी हीटर थोड़ी देर चलेगा, उसके बाद जैसे ही हीटर वाली लाइट बंद होती है, ये वाली जो स्प्रिंग सा दिख रहा है, तो फिर उसके बाद गाड़ी स्टार्ट करेंगे। तो बाहर अभी 13 degree टेम्परेचर दिखा रहा है, लो जी वो चला गया जो सिंबल आ रहा था, तो स्टार्ट करते हैं। लो जी स्टार्ट तो हो गई है, तो थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ते हैं 5-10 मिनट, तब तक तरन का सामान भी आ जाएगा। गुड, अच्छा सा वो है गांव, बहुत अच्छा है यार, ब्यूटीफुल, तो अच्छा क्यूट सा गांव है, और फालतू की होटल वाली बिल्डिंग्स नहीं है, लोगों ने घरों में ही अपना वो बना रखा है होम स्टे, विच इज़ गुड, ऐसे लोकल लोगों को चांस मिलता है कमाई करने का भी, और बाहर के जो लोग हमारे जैसे आते हैं रहने के लिए उनको एक ऑथेंटिक एक्सपीरियंस मिलता है, तो अच्छी बात है कि इन लोगों को ये चीज़ पता है कि हमें क्या चाहिए और उनको क्या चाहिए, तो होटल्स नहीं है यहाँ पे, विच इज़ वेरी गुड, होम स्टेज आर टू गुड। चलो निकलते हैं फटाफट, नंबर बोलना अपना है, 90-151-14006, ठीक है।
तो मैं आराम से निकाला। हाँ हाँ बिल्कुल जी, थैंक यू। तो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, चलेंगे। और थैंक यू जी, ठीक ठीक। चलो मैं गाड़ी में बैठूंगा और नेविगेशन सेट करूं। दूर पड़ता है, ये लोग बोल रहे हैं कि 1.5 घंटा लगेगा, 40 किलोमीटर है चंद्रताल। तो यहाँ पे भी 1 घंटा 29 मिनट बता रहा है, 1.5 घंटे भाई, 38 किलोमीटर। बाकी रास्ता तो ऑब्वियसली ऑफ रोड ही होगा। तो तरन का सामान भी मिल दिया है और बस निकलने हैं अभी, थोड़ा सा और 5 मिनट रुक के गाड़ी और थोड़ी गर्म हो ले। तो निकल रहे हैं, गाड़ी भी आई थिंक काफ़ी हद तक वार्म अप हो चुकी है और ऑल सेट है। सनस्क्रीन भी रख लिया है, सनस्क्रीन। चलो चलो जी, चलो जी चल पड़े अगली डेस्टिनेशन। स्पोर्ट्स मोड क्यों नहीं ऑन होया? तो जैसे आपने देखा कि गांव जो था वो बहुत ही खूबसूरत गांव था और यहाँ पे होटल्स वगैरह का सिस्टम छोटा ज़्यादा नहीं है, ये कर लो एक बार फिर कर लो इस बार स्पीति फिर ले कर लो। तो होटल्स वाला सिस्टम ज़्यादा नहीं है इस गांव में और ज़्यादातर होम स्टेज ही हैं। मेन रोड पे कुछ होटल्स हैं लेकिन वो भी ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं है। एक रश सा भीड़ भाड़ जो होती है कासा में वो वाली तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। सो लोसर से निकलते ही आई थिंक एक एंट्री करनी पड़ती है शायद कुंदन पास की तरफ जाने के लिए, तो वो कर रहे हैं। तरन गया है, यहाँ से निकलते ही व्यूज़ जो थे वो बहुत ही डिफरेंट थे जो हमने पिछले एपिसोड में देखे, और वैली बहुत ही खूबसूरत थी और रोड काफ़ी अच्छी बनी हुई थी। तो कुछ देर तक ही अच्छी थी, उसके बाद तो बस ऑफ रोड भयंकर। वैली का भी आ जाना हूँ मेरी सड़क याद। तो यहाँ से कुछ फोटोग्राफ्स लेने के बाद फिर हम आगे निकल गए और स्टिल्स ही ली यहाँ पे हमने, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स वगैरह नहीं लिए। लेकिन बहुत ही खूबसूरत वैली थी और बीच में इतनी चौड़ी नदी, मतलब विंटर्स में कितनी खूबसूरत लगती होगी ये। नहीं बहुत चंगा जरूरी है यार, इतने स्किन खराब मेरा इन्नी लाने के बावजूद मेरा हालत खराब हुई है मैंने पता, क्योंकि ना मैंने एक जगह पैच लग रहा बहुत तगड़ा वाला जो सन बर्न हुआ वो होया शीशे करके, सीधा धुप इतने साइड से पैंती रही आ गया जो मेरा व्यू सामने वाला ना तारे वाला व्यू मेरे खच गए कर रहा था। बहुत कितने स्टनिंग विजुअल्स हैं इसके, बाकी ना धनकर वाला तो प्रो वाला सीरियसली, यस दैट्स इट। नहीं ये काजा वाला आके जो प्रो वैली का जितना व्यू है ना सारे बड़ा सोना सी, की वाला भी अच्छा सी। अच्छा इस तरफ ट्रैवल करने पे ये देखिए रोड काफ़ी ऑफ रोड सी शुरू हो गई है, बेसिकली जैसे बेस डला होता है और उसके बाद अभी टारमैक वगैरह डालने वाली है। तो रास्ते बहुत ही खूबसूरत थे, वैली भी खूबसूरत थी। इससे पहले जो व्यू था बेसिकली उसका बेनिफिट हमें सबसे ज़्यादा ये मिला कि आगे से कोई धूप नहीं आ रही थी, उसकी वजह से विंडशील्ड पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रही थी, तो बहुत क्रिस्टल क्लियर व्यू था। यहाँ पे आते आते थोड़ा सा सूरज सामने आ गया और विंडशील्ड पे आप देख पा रहे हो थोड़ी रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे थोड़ी फिर ख़त्म होगी।
जहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं है, सूरज सामने नहीं है, तो वहाँ पे बिल्कुल क्लियर व्यू है और शीशा भी एकदम हमने साफ कर रखा था। अमेजिंग है, क्या खूबसूरत पहाड़ है, क्या कलर है इनके। तो ये रोड कुंजुम पास की तरफ जाती है और फिर कुंजुम पास क्रॉस करके आप मनाली की तरफ जा सकते हो और चंद्रताल की तरफ जा सकते हो। सो कुंजुम पास मतलब कुंजुम ला, ला जो है वो तिब्बतीन लैंग्वेज में पास को कहते हैं। ये आगे हमारी एक इकलौती वाटर क्रॉसिंग, एक थोड़ा वो उसमें भी था जब मुद विलेज में गए थे, ये दूसरी कह सकते हो। तो कुंजुमला क्रॉस करने के बाद लाहौल वैली शुरू हो जाती है। तो जो पास होता है उसके एक तरफ एक वैली होती है, दूसरी तरफ दूसरी वैली होती है, तो वो वैलीज को डिवाइड करता है। तो स्पिति वैली का एंड जो है वो कुंजुम पास है और उसके बाद लाहौल वैली शुरू हो जाती है। और यहाँ पे भी रोड काफ़ी कच्ची थी, कई जगह पे टर्न पे काफ़ी ज़ोर लग रहा था गाड़ी का, बट गाड़ी क्योंकि कैपेबल थी तो ईजिली निकल गए। थैंक्स टू ऑल टेरेन टायर जो मैंने स्पिति जाने से पहले डलवाए थे, काफ़ी हेल्प हुई इस टायर से। अच्छा, वो पाथ जो है वो साइड से करके बना। अच्छा, राउंड अबाउट। ओके, नाइस। तो ये हम कुंजुम पास की तरफ चले गए। वैसे तो जो पहले आगे रोड जा रही थी उस तरफ जाओगे तो चंद्रताल और मनाली की तरफ है। ये इन्होंने एक साइड पे हट के थोड़ा सा पास वाला जो स्ट्रक्चर है वो बनाया हुआ था। सो दिस इज द कुंजुमला और वो जो सामने रोड जा रही है लेफ्ट से राइट की तरफ वो मेन रोड है और वहाँ से तकरीबन 150 मीटर अंदर आके इन्होंने ये कुंजुम वाला स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर जाते हैं अभी और यहाँ गाड़ियाँ खड़े करने की भी जगह है, वॉशरूम भी बनाए हुए हैं। सो गुड है, कुछ फोटोग्राफ्स लेते हैं और चलते हैं आगे। तो हिंदी लैंग्वेज में या आई थिंक उर्दू में इसको दर्रा भी बोलते हैं। तो ये ब्यूटीफुल व्यूज ऑफ कुंजुमला। तो ये ला पास या दर्रा बेसिकली एक कुदरती रास्ता होता है एक वैली से दूसरी वैली में जाने का। ये हवा में लहराती हुई झंडियाँ जिसमें प्रेयर्स लिखी हुई हैं बहुत ही पॉजिटिव वाइब क्रिएट कर रही हैं और इतना अच्छा लग रहा था यहाँ पे। तो ये कुंजुम जो पास है ये कुंजुम माता के नाम से है। चारों तरफ पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था मन को। तो तरन गया है वहाँ पे बोर्ड पे स्टिकर लगाने और एक वीडियो भी बनाएंगे। तो यहाँ पे गाड़ी के कुछ शॉट्स लेने के बाद हम लोग कुंजुम पास से आगे की तरफ चल गए।
तेज है, टेम्परेचर तो बहुत घट है, जो धुप ना होने सवेरे रात ले इस हो जाए इतने। सो निकल लिए हम कुंजम पास होके और अच्छा हाँ 7 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा है यहाँ पे बाहर का और इतनी धूप में क्लाउड वगैरह होंगे तो और कम हो जाएगा रात को, तो मतलब काफ़ी माइनस में जाता होगा, आई थिंक -10-11 तक तो जाता ही होगा। टोटली आई थिंक -2 या 3 में तो हम भी थे रात को। हाँ, दो सर में